आपके सामने मैं एक विरहा पेश करने जा रहा हूं। आपने बड़ा कांड सुना होगा इन पुलिस वालों के विषय में। इस दुनिया में बहुत अबलाओं की बहुत लोगों का कत्लेआम सरेआम मारपीट करके उसके आबरू को बिगाड़ देना तमाम प्रकार की घटनाएं पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा आपने सुना देखा होगा। मगर एक आज जाबाज दरोगा की वफादारी बताने जा रहा हूँ। चार लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। बाबा जोगी हरज पे मरने वालों की गाथा अमर गीत गाए गजम करके जुग जुग जमाना श्रद्धा सुमन है समर्पित सदा जिसने सीखा हकीकत का परिचय बताना कसौटी पकस के कसम नौजवा बन गए देश प्रेमी वतन का दीवाना तेजन सिंह यादव कभी फर्ज पी काशी सुरेंदर कदम ना हटाना एक लाइन गजल की तरह थोड़ा सा बढ़ाक मास्टर अरे वाह जो नैनों से छुप के वार किया जाता है नैनों से छुप के वार किया जाता अरे वाह जो नैनों से छुप के वार किया जाता है विराह में बड़ी ऊंची बात कवि ने लिखा है कि घड़ा पाप का भर कर के फूट जाता है किया
हुई सजा हाई कोर्ट के आदेशों से, रहा लगा उसका पहले से भी देशों से, छूट के जमानत पर जब गांव में वह आया है, कुछ दिन बाद वो पलान एक बनाया है। मित्रों, यह उत्तर प्रदेश में ही एक महाराजगंज जिला पड़ता है जो पहले गोरखपुर में था, अब अलग जिला हो गया है। महाराजगंज में बढ़हरा गांव का रहने वाला एक बहुत बड़ा बदमाश गुंडा अय्याश प्रवृत्त का वह आदमी जिसका नाम था अब्दुल कयूम, बहुत अबलाओं की आबरू के साथ उसने खिलवाड़ किया था, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उसको सजाए हुई, और जब सजाए हो गई, जमानत पर छूट करके आया है तो कहा गया है कि स्वभाव केहू के छुड़वले से छूटेला नाही, जिसकी जो आदत होती है वो जल्दी छूटती नहीं, और जो छूट जाए वह आदत नहीं। एक दिन की बात, वह पापी अयोध्या पांडे का कत्लेआम करके सरेआम धावा बोल दिया, कोई माई का लाल अगर हमसे आंख दिखाएगा उसको धरती पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार दूसरी घटना करने के लिए वह अमादा हो गया। विदेशिया में कवि ने भाव दिया, थोड़ा सा बढ़ा के मास्टर, ये बाबू छूटे न छोड़ा वाला से अब कबहू सुभौआ हो, जाके सरजू से ठकी हाँ डले डकैतिया, अब कहे कहाँ छिपल रहल आई बदरी में चनावा हो, देखले बाखिया से आय बरिता के सूरती, माटी में मिलाव मती आय बजोगवल जिंदगीया हो, अरे रोई रोई बिटिया बतावे ले बीपतिया, बाकी नहीं माने नीचा आया ब पपिया का सैया हो, लस जबरी से बानी कई जतिया, अयोध्या पांडे का वह पापी कत्लेआम तो किया ही था, दूसरा जुर्म करने के लिए चल दिया महाराजगंज के बहुत बड़े सेठ जिनका नाम था सरजू सेठ। इकलौती बिटिया बड़ी खूबसूरत थी मेरे मित्रों, रात के वक्त में जाकर के उनके घर में डकैती डाला, और डकैती डालने के बाद उस लड़की को पकड़ लिया। मेरे मित्रों देखें, उस सेठ की लड़की रात्रि की बेला में पांव पकड़ करके रो रही है, भैया मेरी आबरू को मत लूटो। लेकिन वह पापी नहीं माना मेरे मित्रों, धन भी लूटा और आबरू भी लूटा उस लड़की की, खंभे में बांध करके उस लड़की की आबरू को लूट लिया। ला कहने के बावजूद भी वह हरामी नहीं माना, लेकिन पुलिस की नजर में वह पापी समाया हुआ था, पुलिस को तलाश थी अब्दुल कयूम कैसे मिलेगा। तो यहाँ एक लाइन तरज का अभाव है, कवि ने दिया है, अखिया तोरी छुरी कटारी, अखिया तोरी छुरी कटारी, नकिया बर्ची वाला खोलवाला गोरी हमसे, गोदरेज वाला ताला खोलवाला गोरी हमसे,
सफाई विदाई होई देश के, हो जाई सफाई विदाई होई देश के। पुलिस पढ़ती है उस अब्दुल कयूम के बारे में, उसको किसी तरह से पकड़ा जाए, पुलिस के डर से वह पापी करता है क्या? अरे खेत बारी बेची खोची दी है लक्ष्मा कानिया, अरे बम्बई में बेचला गजा के हेरोइनिया, बढ़ाई विदाई होई देश के, हो जाई सफाई विदाई होई देश के। है मेरे मित्रों, खेती बाड़ी धन दौलत जमीन जायदाद बेच करके पुलिस के डर से चला गया बम्बई में, और बम्बई का माफिया अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जाकर के हाथ मिलाया, उसी के गैंग में रहने लगा, और बम्बई में रहते रहते हेरोइन बेचने का धंधा शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मित्रों, चोरी हत्या पाप कभी छिपे छिप नहीं सकता है। पुलिस परेशान है, खोज रही है अब्दुल कयूम कहाँ है। एक लाइन यहाँ गीत बदल गई मास्टर, कौन गीत बा? अरे पियावा मिला लला मुनावा की देखे के सपनवा नाना जी, आज गोरखपुर महाराजगंज की पुलिस परेशान है, कैसे वह अब्दुल कयूम मिलेगा? हो जा लगल पुलिस के जवानवा की मिले न बेईमानवा अरे बम्बई में घूमे लागल बदल बदल भेसावा, अपनवा पर आवे लागल नाला के देसावा, यूपी में मचल बा तूफानवा मिले न भाई मनवाए मिसावा, पुलिस परेशान है, अब्दुल कयूम है कहां? श्याम देवरवा थाने पर बार बार आदेश आ रहा है, क्योंकि वह बढ़हरा ग्राम श्याम देवरवा थाने में ही पड़ता था। थानेदार के ऊपर दबाव आने लगा, अब्दुल कयूम को किसी तरह से गिरफ्तार करो, किसी तरह से गिरफ्तार करो। आखिरकार जब अब्दुल कयूम गिरफ्तार नहीं हो पाया, एक जाबाज दरोगा बहादुर दरोगा बब्बन यादव को थाने पर तैनात किया गया। शायद यह बब्बन यादव दरोगा पता लगा सकता है। जब पोस्टिंग हुई उस थाने पर बब्बन यादव की, उस अब्दुल कयूम की फाइल को निकालते हैं, जब पढ़ते हैं मेरे मित्रों, कलेजा कांप गया। तो विरहा के तेरी में कवि ने भाव दिया है, अरे वर्दी में कैसे लागी दगिया, अरे वर्दी में कैसे लागी दगिया, पौरुष फड़क उठल अब युगल लागल आगी। फाइल को पढ़े हैं बब्बन यादव, अरे बब्बन यादव ललकार उठे जब जोश जिगर में जागा है, बब्बन यादव ललकार उठे जब जोश जिगर में जागा है, धिकार मेरी स्वर्दी को अब देश प्रेम अनुरागा है। हम जुर्म जमाने जालिम को पांवों तले कुचल देंगे, अरे अब हम साले के सीने पर दाब दाब कर चल देंगे। अब देश नहीं विदेशों में चल करके पता लगाएंगे, हम थ्याना श्याम देवरवा का इतिहास बदल कर जाएंगे। हम फर्ज निभाने आए हैं,
हम फर्ज निभाने आए हैं, संकल्प हमारा नारा है। कहाँ छुपा कमीना कुत्ता जो कानून का हत्यारा है। उस फाइल को पढ़े हैं बब्बन यादव जाबाज दरोगा, कसम खाए जब तक उस पापी को पकड़ूंगा नहीं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अगर आकाश में होगा पता लगाऊंगा, पताल में होगा पता लगाऊंगा, देश में होगा पता लगाऊंगा, विदेश में होगा पता लगाऊंगा। एक दिन बब्बन यादव छुपे रुस्तम दो सिपाहियों को लेकर के थाने से छुट्टी का बहाना लेकर के चल देते हैं, ताकि किसी को ये जानकारी न होने पावे कि बब्बन यादव दरोगा उस अब्दुल कयूम का पता लगाने के लिए निकले हैं। छुट्टी का बहाना लेकर के पकड़ने के लिए चल दिए तो एक लाइन यहाँ तरज के नमूना बा जो शेर, अरे माता हो ललनवा जैसा, अरे बहनी हो बिरनवा जैसा, अरे सवा करनवा भौजी अरे अपनो सजनवा जैसा, माता हो ललनवा जैसा। बाकी बांधी के कपड़ा चल ले, बचावे माता अमर दी कसनवा चल ले, बाजी के कफनवा चल ले, बब्बन यादव दो सिपाहियों को लेकर के सादा वेश में पता लगाने के लिए निकल पड़े और पता लगाते लगाते जाते हैं कहाँ, अरे बब्बन यादव सो संग दुई थे सिपाही रहले, मंगल चंद्र शेखर पशुनाथ सिंह राही रहले, थाना छोड़ के छुट्टी के बहनवा चल ले, बाजी के बहनवा चल ले, बाजी के बहनवा चल ले, बाजी के बहनवा चल ले, पुल के बहनवा चल ले। दो सिपाही चंद्रशेखर और पशुनाथ सिंह को लेकर के बब्बन यादव चल दिए पता लगाने के लिए। मेरे मित्रों, रात की बेला में छुट्टी का बहाना लेकर के चले हैं, पता लगाते लगाते पहुंच गए बंबई में, और जब बंबई में पहुंचे हैं खोज रहे हैं कहीं तो पता चल जाए अब्दुल कयूम का, लेकिन उस महानगरी में कैसे पता चलेगा। पुलिस वाले बड़े परेशान हैं, तो यहाँ भाव कवि ने दिया एक लाइन तरज बा, तरज बाम सैया मिलल बा ड्राइवर का चलाई गाड़ी हो, सैया मिलल बा ड्राइवर का चलाई गाड़ी हो, करी पाउच के पियाई त लड़ाई गाड़ी हो, बम्मन यादव सिपाहियों को लेकर के खोज रहे हैं मुंबई में, खूबे पुलिस के जवान परेशान भई ले, 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 हो छन मुंबई शहरिया हैरान भई ले। शहर में घूम रहे हैं, जुहू चौपाटी में, नारिमन पॉइंट में, अंधेरी में, कहीं तो पता चले उस दाऊद इब्राहिम का, लेकिन वह लुक छिप करके
हेरोइन बेचने का धंधा करता था मेरे मित्रों। दाऊद इब्राहिम के गोल का वह एक हेड सरगना हो गया था। उसकी तूती बोल गई थी बंबई में, अरे मंदिरों मस्जिद में पतावा लगावे, अरे भूमि भूमि चारों ओर फोटाऊआ मिलावे, अरे तब नहीं पूरा यार मान भैले, 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 खोजत बंबई शहर यार मान भैले। बंबई शहर में घूम घूम करके मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, ईसाई घर में, चारों तरफ पता लगा रहे हैं बब्बन यादव दरोगा, कहीं पता नहीं चल रहा है। फोटो मिला करके किसी को देख करके शायद ये वही तो अब्दुल कयूम नहीं है, लेकिन चेहरा नहीं मिल पा रहा है। परेशान है बब्बन यादव बंबई में। वाह रे बब्बन यादव दरोगा, सोच लिए, प्रतिज्ञा किए, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, उस पापी को खोज निकालूंगा। खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान होकर के सोच गए कि अब पापी नहीं मिलेगा। बड़ी मेहनत किया। जूही चौपाटी से लौट रहे थे मेरे मित्रों, तब तक हुआ क्या, अल्लाह में कवि ने भाव दिया, थोड़ा सा बढ़ा के मास्टर, अल्लाह के तनी लय बजा दे मास्टर, अरे झुक नहीं झंडावा धर्म के धरती पर भैया, अरे हो जल फल ही हो खूब परेशानी, अरे गिर जल टूटी के हो पाप के पहाड़ वाल भैया, अरे चूर चूर होई जला सगरी रे गुमानी, अरे कभी न बंबई के पीढ़ी पर कवा में भैया, अरे 20 साल बाद गईल मुजरिम धराई, अरे बबन यादव ये सोता है मारा बाबा गोलिया या भैया, अरे लब दुल कयूं मदिहलस न मवारे बताई। निराशाजनक लौट रहे थे बबन यादव, तब तक पीडी पार्क में एकाएक उनके दिमाग में बात घर कर गई, इस फोटो से उसका चेहरा मिल रहा है। दौड़ करके जाते हैं पकड़ने के लिए, तब तक रिवाल्वर तान दिया, और जब रिवाल्वर ताना है बब्बन यादव वैसो भी अपनी रिवाल्वर निकाल करके तान दिए, खबरदार, एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत किया, आज हमसे बुरा कोई हो नहीं सकता है, आगे बढ़ा, गोली से मार दूंगा। दो पुलिस साथ में थे, भगना चाहा मगर जा करके पटक देते हैं, जब पटक देते हैं उसको लड़ाई वहां शुरू हो जाती है, पटापटकी शुरू हुई। बब्बन यादव अपने जमाने के एक अच्छे पहलवान भी थे, वो तो हमारे बलिया जिले के, हमारे गांव के बगल में ही भूरछपरा गांव के रहने वाले, अपने जमाने के एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे। पटक करके छाती पर चढ़ बैठे साले कमीने, अब तू बच करके नहीं जाएगा, 20 साल बाद उस मुजरिम को पकड़े हैं, सोचे यहां से अगर ले करके जाऊंगा कहीं दाऊद इब्राहिम को पता चल जाए तो मेरी गाड़ी फंस सकती है, इस नाते वो करते हैं क्या सदर, अल्लाह में कभी ने भाव दिया है, अरे बाबू ले के जहाजिया से गोरखपुर आईला, अरे चारू और सहरिया में मचल हाहाकार, अरे चले अधिकारी अब करे अगुवनिया,
अरे डाले लगने गरवा में फूलवन के हार, अरे हो गई न हाला अब पूरा देशवा में, अरे 50,000 रुपया मिल नहीं नाम, अरे हो प्रमोशन अब भाई ने घोषणावा, अरे बाहरे बहादुर कठिन कैला काम, जहाज से लेकर के उस अब्दुल कयूम को बब्बन यादव आते हैं गोरखपुर, गोरखपुर उतरते हैं एयरपोर्ट पर। मेरे मित्रों खबर चली प्रशासन के लोगों को अगवानी करने के लिए दौड़ करके जाते हैं, वाह रे बब्बन यादव गजब वफादार तू ऐसो निकला, फूल मालाओं से स्वागत होने लगा, गले में फूलों की माला पड़ने लगी बब्बन यादव दरोगा के, हाहाकार मच गया, 50,000 रुपए का इनाम दिया गया बब्बन यादव दरोगा को, तूने खाकी की वर्दी की आबरू को बढ़ाया है, हाहाकार मच गया, अब्दुल कयूम पकड़ लिया गया। मेरे मित्रों तो आखिरी लाइन में कवि ने भाव दिया है, कड़ी में कहना है कैसे, अरे मरी पानी पर पानीदार अब ना परवाह में परी, अजुग अजुग जिया हो जवनवा वतन के प्रहरी, ₹50,000 का इनाम मिला बब्बन यादव को, प्रमोशन होगी घोषणा किया गया मेरे मित्रों। लेकिन कहना है आज पुलिस प्रशासन के लोगों से इस देश की नैया इस वर्दी वालों के ऊपर है, तो एक लाइन भाव कवि ने दिया है कि देश के तोहके दिहल बाटे करे के निगरानी, गफलत में भी आके कभी मत करी मनमानी, नतना रही वतन वतन के प्रहरी, आजुग जुग जिया हो जवनवा वतन के प्रहरी, फर्ज पे मिट जाओ, बाला भोला काशीनाथ कुछ करके अब दिखलाओ, अरे वर्दी में कैसे लागी दगिया, तेजन सुरेंद्र से जान बचावा भागी रवा।